हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और यहां पर मैनुअल तरीके से डिस्काउंट लगाना सिखाऊंगा। देखिए यहां पर जो डिस्काउंट का कॉलम आएगा, जिसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां से यहां पर आ जाते हैं। ये लाइक यहां पे दो बार डी प्रेस करता हूं, यहां पर तो कोई एंट्री नहीं है। यहां पर मैं आ जाता हूं गेटवे ऑफ टैली पर और यहां पर एक एंट्री पास करता हूं। देखिए यहां पर आ गए और यहां पर हमने दे दिया सप्लायर का इनवॉइस नंबर, एंटर प्रेस किया, ये अप्रैल को हो रही है खरीदारी। यहां पर कैसी रहने देता हूं, एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कराते हैं और यहां पर आकर के और एंटर प्रेस करके यहां पर रेगुलर रख के एंटर प्रेस करता हूं और यहां पर परचेस अकाउंट का लेजर आ गया। अब यहां पर क्या करना है, एक स्टॉक आइटम हमें बनाना है। यहां पर देख सकते हैं कोई भी डिस्काउंट का कॉलम नहीं आ रहा है और अब यहां पर हमको प्रेस करना है F11, फंक्शन बटन F11 की प्रेस करनी है और इसके बाद यहां पर देख सकते हैं डिस्काउंट का कॉलम नो है। अगर ये यस होगा तो क्या होगा, अगर ये यस होगा तो यहां पर डिस्काउंट आएगा। आप देख सकते हैं यहां पर डिस्काउंट लग गया है, तो इसीलिए इसको नो कर दीजिए क्योंकि हमें यहां से डिस्काउंट नहीं चालू करना है, इसको नो ही रखना है। कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, अब एंटर प्रेस करके यहां पर आ जाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करके, एंटर प्रेस करके और यहां पर आते हैं। अब यहां पर हमें स्टॉक आइटम एक क्रिएट करना है, पहले से क्रिएट भी है तो यहां पे एक क्रिएट भी कर लेते हैं। तो यहां पर एक मेडिसिन का स्टॉक आइटम पैरासिटामोल क्रिएट कर लेते हैं, तो यहां लिख देता हूं पैरासिटामोल, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं और यहां पर एंटर प्रेस करेंगे एक बार और यहां पर आइटम कर देता हूं, नीचे आइटम यूनिट बना रखा है मैंने, एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर मेंटेन बैचेस को आप चाहे तो यस कर सकते हैं, अगर इसको यस करेंगे तो यहां पर इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर ट्रैक डेट है, यानी कि मैन्युफैक्चर कब हुआ था उसकी डेट आ जाएगी, तो वाई प्रेस कर देता हूं और फिर एक्सपायरी डेट की भी बात करेंगे तो यहां पर भी वाई प्रेस कर देता हूं। यहां पर आ रहा है जीएसटी, तो इसे नॉट एप्लीकेबल एप्लीकेबल रख लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और यहां पर एंटर प्रेस करिए, बाय डिफॉल्ट जो जीएसटी सेट किया है वो आ जाएगा और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। एंटर प्रेस किया और अब एक्सेप्ट कराते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट ये पूछ रहा है, तो एंटर प्रेस करके अब यहां मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल देते हैं, लाइक यहां पे कर देता हूं 1/4/2020, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है। और यहां पर क्वांटिटी कितनी है, 200 पैरासिटामोल की पत्तियां हमारे पास है, ठीक है, 200 पत्ते हमारे पास पैरासिटामोल मौजूद है और एक की कीमत ₹50 प्रति पत्ते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर एक्सपायरी डेट डाल देंगे, इसकी एक्सपायरी कब है, तो यहां पे देख सकते हैं 2/5/2023 इसकी एक्सपायरी है। कंट्रोल ए प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे, तो ये सेव हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें मैनुअली डिस्काउंट लगाना है। मैनुअली डिस्काउंट लगाने का, कैसे हम मैनुअली डिस्काउंट लगाएंगे, तो यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, ठीक है, और अल्ट के साथ सी प्रेस करते ही लेजर वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर लिखना है हमें डिस्काउंट, तो लिख देते हैं DISCOUNT, ठीक है। एट द रेट का साइन ऐसे बनेगा, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। कितना परसेंट का डिस्काउंट है, तो मान लीजिए कि 5% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं, ठीक है, एट द रेट 5% कर दिया हमने, तो ये एट द रेट 5%। अब ये डिस्काउंट जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, इनडायरेक्ट इनकम भी हो सकता है, क्योंकि परचेस कर रहे हैं तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी आप डाल सकते हैं, इनडायरेक्ट इनकम में भी डाल सकते हैं, ठीक है, दोनों में पड़ सकता है ये डिस्काउंट का जो लेजर है, ये दोनों में आ सकता है। तो यहां पर मैं कर देता हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करके और एंटर प्रेस करके फिर यहां पे गुड्स कर देते हैं, एंटर प्रेस करके और इसको जो है इस तरीके से कर देते हैं। अब यहां पर हमें क्या करना है, 2% का डिस्काउंट है, तो यहां पे जैसे ही 2% करेंगे तो यहां 200 आ जाएगा, लेकिन ये 200 प्लस होकर आएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर आपने कुछ नहीं लिखा, लाइक यहां पे 0 लिखा है, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं, तो अभी देखिए यहां पे एंटर प्रेस करता हूं तो यहां ₹10,000 आ रहा है और यहां एट द रेट डिस्काउंट 5% है। जैसे ही यहां पर आते हैं और यहां पर हम डिस्काउंट देंगे, लाइक 2% डिस्काउंट देता हूं, तो 2% दूंगा तो यहां 10,200 हो जाएगा, ये तो प्लस हो गया, तो फिर ये डिस्काउंट कहां रहा। इसीलिए यहां पर आपको माइनस के साथ डिस्काउंट लगाना है, तो यहां पे खाली कर दीजिए -2, ठीक है, और फिर आप कमाल देखिए यहां पर 200 माइनस हो गया। तो ये मैन्युअली भी डिस्काउंट आप आसानी के साथ लगा सकते हैं इजिली। अगर आपको 3% 1% या कुछ भी इस तरह का डिस्काउंट देना है, लाइक 1.5% का डिस्काउंट देना है, तो यहां देखिए 1.5% का डिस्काउंट लगा दिया हमने, ठीक है, तो ये देखिए ₹150 डिस्काउंट अपने आप आ गया। तो ये बहुत आसान है, आसानी के साथ आप कर सकते हैं, इसको दोनों में रख सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी आपको। अब इसको सेव कर दिया मैंने, अब इसका प्रिंट देख लेते हैं एक बार कैसा आया हुआ है। दो बार डी प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और यहां पे अल्ट के साथ पी प्रेस करना है, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे और फिर यहां से आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें इसका प्रिंट दिख जाएगा। ये प्रिंट कुछ इस तरीके से आया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये डिस्काउंट कैसे लगा सकते हैं। यहाँ नीचे डिस्काउंट लिखा हुआ भी आया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।